कहते हैं जब आंखों में सपने हों और हौसला बुलंद हो तो इंसान जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। आज हम एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में लाख मुश्किल होते हुए भी उन मुश्किलों से हार नहीं मानी और अनगिनत ऊंचाइयों को प्राप्त किया। हम बात कर रहे हैं इंडियन पैरा स्विमर निरंजन मुकुंदन की। बैंगलोर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म निरंजन स्पाइना बिफिडा नामक बीमारी से ग्रसित थे। निरंजन के शरीर में रीढ़ की हड्डी और पैरों का विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। निरंजन के कुल 19 सर्जरी हुई, इस वजह से उनका स्कूल छूट गया और कई महीने तक उन्हें बिस्तर पर लेटे रहना पड़ा। 7 साल की उम्र में मुकुंदन को एक्वाथेरेपी के रूप में तैरने की सलाह दी गई, जो उनके जीवन का उपहार बन गया। स्थिर प्रशिक्षण और अटूट दृढ़ संकल्प के माध्यम से उन्होंने अपने खेल में सुधार किया और एक पैरा एथलीट बनना शुरू कर दिया। निरंजन महज 9 साल की उम्र में मुंबई में राष्ट्रीय स्तर की एक प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था। निरंजन ने 2004-2005 के मुंबई में आयोजित पैरा ओलंपिक नेशनल में 50 मीटर बटरफ्लाई स्विम रेस रजत पदक पाने का काम किया। 2007 में स्टेट एक्वेटिक चैंपियनशिप में उन्होंने रजत पदक जीता था। साल 2012 में निरंजन के जीवन में एक मोड़ आया। चेन्नई में आयोजित नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में उन्होंने 3 स्वर्ण पदक और वाटर पोलो में 1 कांस्य पदक जीता। निरंजन ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक बर्लिन में आईडीएम में जर्मनी तैराकी चैंपियनशिप में 200 मीटर की फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता और बस इसके बाद निरंजन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें जीतने की आदत लग गई हो। 26 वर्ष के निरंजन ने 2018 के पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज में 200 मीटर बैक स्ट्रोक में एशियाई रिकॉर्ड को भी तोड़ा। साल 2019 में फोर्ब्स मैगजीन के टॉप 30 स्पोर्ट्समैन में निरंजन का नाम शामिल किया गया। अपने अब तक के करियर में 60 से अधिक पदक जीतने के बाद मुकुंदन ने 50 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले एकमात्र पैरा तैराक होने का गौरव प्राप्त किया। इस साल आयोजित किए गए टोक्यो ओलंपिक में भी निरंजन ने भाग लिया है और हमें पूरी उम्मीद है हमेशा की तरह वो इस बार भी पदक जीत कर लौटेंगे। निरंजन का कहना है कि आपको इच्छा शक्ति मिलती नहीं, आप इसे बनाते हैं।